अस्सलाम वालेकुम। मेरे वाइफ इनकी मतलब सलमा की तबीयत ख़राब है, कुछ बैड न्यूज़ है। और रात में भी हम लोग हॉस्पिटल को आए थे और अभी हॉस्पिटल रात से फिर घर गए, फिर अभी सुबह भी हॉस्पिटल आए थे तो अभी वापस घर जा रहे हैं। इन्हों मेरे साथ में है, टॉनिक भी है ना इसमें लेने की, टॉनिक भी ले लेता हूँ। तो इन्हों घर में जाके बात करते बोल रहे, तो मैं जरा पहले टैबलेट वगैरह ले लेता हूँ। करो बात थोड़ा, वो तो करो समझ में। तो गाइस अभी घर को जाएंगे, अपन बात करेंगे बिकॉज धूप भी बहुत है। हम लोग कल रात से हॉस्पिटल को फिर रहे और बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है समझो। तो चलो मैं टैबलेट्स लेकर आता तो हम लोग गए टैबलेट्स लेने के वास्ते। मैं आपसे बात करती हूँ बाद में। कैसे हो आप लोग? तो आज बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, तो आप लोग देखे ना, मैं हॉस्पिटल जाके आई। मतलब परसों से थोड़ा बीपी लो बता रहा था मेरा, बट उसके बाद में ना कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और बहुत ही बीपी लो दिखा रहा था। तो इसके वजह से ना मेरा बीपी लो तो दिखा रहा था, हम लोग हॉस्पिटल को तो जा रहे थे, तो ये चल रहा था। फिर कल रात में सडन तो कल रात में ना सडन मेरा मिसकैरेज हो गया गाइस। अब मैं रोना नहीं चाह रही हूँ बिकॉज ना ऐसे चीज़ा ना मेरे को बहुत स्ट्रांग कर दे रहे, पता नहीं कई को किस वजह से। बस अब जिसको टेंशन देना था ना वो लोग दे दिए, बहुत खुश हो गए। डॉक्टर एक ही बोले मेरे को, आप टेंशन ज़्यादा ले रहे थे और इसके वजह से मिसकैरेज हो गया मेरा। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इनको बोल रहा था कंटिन्यू कि भाई टेंशन ना को लो। अब लोगों क्या है मालूम है ना, थोड़े यूजलेस लोग, मतलब उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ होता नहीं, उन लोग किसी को कुछ होने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते। वैसे यूजलेस लोगों के लिए है ना, खाली सोचो ना को बोल के बोल रही था मैं। डॉक्टर भी बार बार वही कर रहे थे, क्या सोच रहे, क्या टेंशन दे रहे बोल के। अब हम लोगों जो है ना दो दिन से कंटिन्यू, परसों से जो है ये परेशानी थी, उसके बाद में गए आए, कंटिन्यू हॉस्पिटल के ट्रिप्स हुए हमारे इतने सारे। अब अल्लाह की क्या मर्जी, कैसा क्या है कुछ हम मतलब बने। लेकिन मैं एक ही चीज़ इनको बोल रहा था कि कंटिन्यू टेंशन ना खोलो, अब छोड़ दो, अब जो हो गया हो गया, अब अपने हाथ में भी नहीं है यार, मैं कुछ उसमें नहीं है, हम बोल लेंगे उसमें वैसा शैटर हो जाके है फिलहाल। कौन सी छोटी चीज़ भी हम लोगों को जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो गया। अभी इतनी बड़ी चीज़ हमारे साथ हुई, भरोसा ही नहीं हो रहा ये चीज़ को। मैं सुने बाद में मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आया, अचानक ऐसा हो गया, कैसा क्या बोले तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये चीज़ को बोलने के लिए यार। सीरियसली मैं इनको वही बोल रहा था, मैं टेंशन रखो लो, अभी जो है हो गया, हिम्मत रखो, चीज़ों को जो है ना आगे बढ़ना है। हम लोग रोना नहीं बनाते थे, फिर आप लोग के साथ डेली रूटीन शेयर करते, अगर ये नहीं शेयर करे तो अच्छा नहीं रहता। मतलब आप लोग बहुत जने ख्याल रखते हैं हर चीज़ का, वो पूछते हैं, इसके वजह से हम लोग ये चीज़ शेयर कर रहे। तो मिसकैरेज हो गया मेरा, तो हॉस्पिटल जा रही थी आ रही थी पूरा, मतलब टैबलेट्स वगैरह से हुआ समझो गाइस, पूरा अच्छा हुआ और टाइम नहीं लगा इस चीज़ पे, नहीं तो डेंजर हो जाता था बहुत बड़ा। तो मतलब कमर में नहीं, कमर में दर्द पहले से हो रहा था, जब से मैं इनको बोल रहा था ये बेकार की चीज़ों में टेंशनों में नको लो, टेंशन आज छोड़ दो, लो आ गया है। ये चाह रहे थे मतलब खुश नहीं देख सकते, खुश नहीं देख सकते, मैं क्या बोल रहा हूँ, खुशी देख ही नहीं सकते, खुश रह नहीं सकते और दूसरों को भी रहने नहीं देते, बस उनका एक ही मकसद रहता है ऐसे लोगों का। मैं बोल रही था तुम्हारे को छोड़ दो बोल के, मतलब लोग को मालूम हो गया था ये चीज़ प्रेग्नेंट है तो इस पे टॉर्चर करो और ऐसे चीज़ें करो, छोड़ दो तो अभी, इसे क्या होता, सुकून हो जाता, लोग कुछ भी नहीं होता। अल्लाह है, अल्लाह सब देख रहे हैं, नहीं अल्लाह सब देख रहे हैं, मैं स्ट्रांग जरूर रहूंगी, बस स्ट्रांग रहना है तो भरोसा अल्लाह के ऊपर रखो, रोना नहीं। मैं
टेंशन ये चीज़ों में नहीं पड़ना बोल के मैं पहले से बोला था। ऐसे टाइम पे वांटेडली क्या है, शैतान वो करता। और तो थोड़े जनों को मैं बोल भी नहीं सकता, मेरा अकल मतलब खाना खाते या कुछ और खाते नहीं मालूम ऐसे लोग। ये चीज़ों में ऐसा ऐसे टाइम पे ऐसे टेंशन आ देना, पता नहीं क्या मिलता। खैर अल्लाह है, अल्लाह जो भी है देख लेंगे। दिल से तो हमारे कुछ मुँह से भी नहीं निकलना, दिल से भी नहीं निकलना हमारे। लेकिन तकलीफ़ बहुत हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हम लोगों को ये चीज़ पे। हम लोग की जितनी एज है ना, अच्छा पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस हो गया हम लोग को। कभी हम किसी से नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, कभी ऐसे लोग जिंदगी में होना भी नहीं हम लोग को गाइस, कभी नहीं होना। जो बहुत तकलीफ दी हम लोग को अल्लाह है यार, छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी भी इनकी तबीयत खराब है। हम लोग को खुशी हो गई होंगी, अरे खुशियां मनाओ, केकां काटो और मिठाइयां बांटो, खुश रहो। होना बोल के उस मालूम हो गए बाद में, इन्हें थोड़ा बहुत आगे जा रही, इसको कैसा करना, कैसा उसको लो करना, ये गुस्से बात आ लोगों के दिमाग में। अच्छा रोना ना करो, टेंशन मेरी बात सुनो। ये था भाई, केकां काटने दो, खुश है करो भैया, पार्टी करो आप लोग। हो गए ना, हम लोग को तकलीफ दे दिए ना, खुश है ना अभी। करो आप जितना जश्न करो आप। कितना स्ट्रांग मैं बनूंगी, तुम लोग कितना भी मेरे को डाउन करो, ये बात याद रखो। साथ मैं हूँ, अल्लाह है हमारे साथ। यस, जितना करो डाउन, हम किसी का बुरा कभी लाइफ में नहीं करें, किसी का बुरा नहीं करें, सबका अच्छा सोचे आप। बस हमारे साथ हमेशा किसी का प्यार। आप लोग मेरी फैमिली है बोल के जिसमें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, हो गया। आप लोग खुश रहें दो, छोड़ो हालात जो भी करते ना, अच्छे के लिए करते हैं गाइस। इस चीज पे मैं हर चीज कंट्रोल कर ली, हर चीज मैं छोड़ दी। हर कोई बोले ये करो वो करो, मैं कुछ नहीं करी। पानी पियो, बस अपने खून पे भरोसा नहीं करके किसी के खून पे भरोसा करना बहुत बड़ी गुनाह है, याद रख लो। पहले एक हफ्ता मेरे लाइफ में बहुत ये चला, मैं उससे संभली, फिर ये हुआ। ठीक है, मैं अभी भी स्ट्रांग हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड मेरे साथ है और मेरे बच्चे मेरे साथ है, सबसे पहले मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह बहुत बड़ा है भाई। बोलो ना, मैं एक बार एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, मैं मेरे साइड से बहुत दे दिए तकलीफ, बहुत तकलीफ दे दिए। मतलब डॉक्टर एक ही चीज़ बोले मेरे को, आप टेंशन ज़्यादा ले रहे इसलिए आपका बीपी लो हो रहा, ज़्यादा सोच रहे आप, ये हमेशा बोल रहे थे। ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ अभी भी, बस या मैं इसलिए आपसे शेयर करती हूँ बिकॉज आप लोग मेरे फैमिली है, इसके वजह से मैं आपसे शेयर करती हूँ गाइस। मेरे को एक सुकून मिलता मैं एक आप लोग से बात करी बोले जैसा, बस ये कब आप इच मेरी फैमिली है यूट्यूब की गाइस, बस और कोई नहीं है, और मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड, बस ये था।